मॉर्निंग, आज है थर्सडे और दोपहर के 12 बजने वाले हैं और कल शाम के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वैसे कल शाम को हमारा प्लान था कि हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे, लेकिन सडनली हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक्चुअली मैंने कल बताया था ना, वो वैक्सीन लगा के आए थे तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फीवर आना स्टार्ट हो गया और ठंड लगने लगी, बॉडी पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उनको खाना वाना खिलाया और उसके बाद डोलो 650 खा के वो सो गए, लेकिन रात भर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी और मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी इस वजह से। फिर हम लोगों ने लाइव नहीं किया और फिर आज मॉर्निंग में भी ऐसे ही, अभी फीवर चेक किया तो 101 फीवर था मॉर्निंग में। तो अभी नाश्ता वाश्ता करके मैंने उनको फिर से डोलो 650 खिला दी थी और कोल्ड स्पंजिंग करी है थोड़ी सी, अभी थोड़ा सा आराम है, लेकिन उनको हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर से बात करी थी, वो कह रहे थे 24 आवर्स तक सिम्टम्स रहते हैं ऐसे, तो घबराने की बात नहीं है, मेडिसिन ले लेना, रेस्ट करना, खूब सारा पानी पीना और विटामिन सी लेना। तो नींबू पानी मैंने उनको बना के दिया है, साथ में ORS भी बना के दिया है, ORS मेरे पास पड़ा हुआ था। तो आप जब वैक्सीन लगाते हो ना, तो इस बात का ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, विटामिन सी लीजिए, खूब सारे फ्रूट्स खाइए और हेल्दी खाना खाओ, कुछ भी नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है। और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, आज सुबह से मैंने उनको रेस्ट मोड पे रखा हुआ है और मैंने कहा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं खुद करूँगी अकेले। तो सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली है, सुबह के सारे काम हो गए हैं मेरे। और मॉर्निंग में मेरा एक पार्सल आया था, तो एक्चुअली मैंने ये मंगाया है किचन के लिए, मेजरिंग कप्स। तो कभी कभार चाहिए होते हैं ना कि जैसे कुछ बनाना हो, नई नई रेसिपीज़ आप ट्राई कर रहे हो, तो उसके लिए मेजरिंग कप्स की और ये स्पून्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरा सेट मिल रहा था साथ में, तो मैंने ये मंगा लिया है। ये 1/4 टीस्पून है, इसमें सब लिखा हुआ है, और ये 1/2 टीस्पून है, और ये 1 टीस्पून है, और ये 1 टेबलस्पून है, और ये कप्स हैं सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा वाला 1/4, हाँ 1/4 कप है ये, और ये 1/2 कप है, 2/3 कप है, और सबसे बड़ा साइज़ है ये पूरा 1 कप 240 ml का। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प रहेगी कभी मेजरिंग वगैरह करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। और मैं राइस भी अब मैं सोचूँ, चावल आवल आटा भी मैं इसी से मेजर करके निकालूँ, तो मुझे सही अंदाज़ा रहेगा। वैसे मैं अपने अंदाजे से निकाल लेती हूँ। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है, वॉश करना है। इसके साथ में उन्होंने छोटी सी नाइफ फ्री में दी है, तो ये मिली है फ्री में। वैसे नाइफ तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, पूरा सेट पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, तो लंच मुझे हल्का फुल्का ही रखना है क्योंकि हस्बैंड को फीवर है, ज़्यादा कुछ वो खाएंगे नहीं हैवी। और मैं सोच रही हूँ सिंपल सी दाल बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ, उसके साथ में चटनी बना लूँगी या तो फिर देखती हूँ। और ये राजमा जब से लेके आए थे मैंने खाली नहीं किए हैं, तो इनको मुझे खाली करना है। छोले भी ख़त्म हो गए थे, तो छोले थोड़े से इसमें से निकाले थे, फिर ऐसे ही रख दिए थे मैंने, क्योंकि डब्बा छोटा है ना मेरे पास, तो इसको भी मुझे खाली करना है। और बढ़िया सा लंच बनाते हैं, और केक ऑर्डर किया है। वैसे तो मेरा मन था कि जब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो हम कहीं हिल स्टेशन पे जाएंगे घूमने के लिए, दूर जगह पे, ऋषिकेश की साइड, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट जगह है ऋषिकेश, मसूरी या फिर हिमाचल की साइड कहीं घूमने जाते, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते। और या तो फिर दूसरा मन था कि हम लोग किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके, किसी अच्छे से रिजॉर्ट में जाके हम लोग खाना वाना खाते, डिनर विनर करते, तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा, जो करना है घर पे करना है। तो हमने केक मंगवाया है, और केक हमने किससे मंगवाया, लास्ट ईयर जब मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, तो हस्बैंड के जो नोन है सर, उनकी वाइफ जो है घर पे बनाती है, उनकी घर पे बेकरी है और वो घर पे ही ऑर्डर्स लेते हैं, तो काफ़ी सेफ और हाइजीनिक रहता है। तो हमने उनसे ही ऑर्डर किया है, इस बार भी 50K सेलिब्रेशन का केक कट करेंगे और शाम तक आएगा आई थिंक, तो शाम को ही करेंगे वो सेलिब्रेशन। तो अभी फिलहाल बढ़िया सा लंच बनाते हैं और थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ, सुबह से काम कर करके बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ।
बनके हो गई है तैयार। और इसमें मैंने नमक डाल दिया था, टमाटर डाले हैं, लहसुन और हरा धनिया। तो चटनी रेडी हो गई है और दाल भी रेडी हो गई है बनके। इसका तड़का थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने लगाया है आज, और इसमें चावल भी रेडी हो गए हैं। तो अभी शाम के 8:30 बज गए हैं, शाम के नहीं रात हो गई है वैसे तो। और मैं अभी रेडी हो गई हूँ क्योंकि हमारा केक आने वाला है 50K सब्सक्राइबर्स के सेलिब्रेशन वाला। एक्चुअली हस्बैंड की तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, और अगर ऐसा कुछ पता होता कि तबीयत खराब होने वाली तो हम केक नहीं ऑर्डर करते, कल ऑर्डर कर लेते, या फिर जब उनकी तबीयत ठीक होती उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करते। लेकिन केक तो इन्होंने कल ही ऑर्डर कर दिया था, और कल हमें नहीं पता था कि इतना फीवर आ जाएगा, बॉडी पेन हो जाएगा। तो अभी केक आ रहा है तो कट तो करना ही पड़ेगा, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये कैंडल्स जो है निकाल के रख लिए हैं। ये पहले से रखी हुई थी मेरे पास, पहले एक बार केक लेके आए थे ना, तो तब की कैंडल्स रखी हुई हैं ये। तो ये जला लेंगे हम लोग, और ज़्यादा कुछ नहीं, खाने पीने में कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है, और केक कट करेंगे बस, हो गया। यही हमारा सिंपल सा सेलिब्रेशन रहेगा, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रेडी भी हो जाते हैं। हस्बैंड अभी रेडी नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी वैसे ही तबीयत खराब हो रही है, बॉडी पेन कर रहा है, वो अभी लेटे हुए हैं आराम कर रहे हैं। तो जैसे केक आएगा हम लोग उसके बाद, बस केक का ही वेट हो रहा है, थोड़ी देर में आने वाला है केक। और खाना वाना मेरा सब बनके तैयार हो चुका है, रोटियां हम बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग केक खाएंगे। आ गया है 50K सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेशन स्पेशल केक। देखिए कितना सुंदर बनाया है ना, इसमें यूट्यूब का लोगो स्पेशल 50K, इसमें लगाती हूँ मैं कैंडल्स। चॉकलेट फ्लेवर कैंडल्स लगाओ। कैंडल जल गई है, एक ही कैंडल जलाई हमने, और केक कट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू, ये सेलिब्रेशन आप सबकी वजह से हो रहा है। और आप कुछ बोलोगे? थैंक यू वेरी मच आप सबके सपोर्ट के लिए, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जल्द से जल्द इसको 100K तक पहुंचा दीजिए, ताकि और भी हम ग्रैंड सेलिब्रेशन कर पाए। तो चलिए केक कट करना स्टार्ट करते हैं। हटा दो कैंडल्स। अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आपने देखा कितनी बारिश हो रही है, आज का वेदर बहुत अच्छा है। तो दिन की शुरुआत हुई है झमाझम बारिश के साथ, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो केक कट करने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, घर की क्लीनिंग हो रही है, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, और मैं यहाँ पर घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, आज है फ्राइडे और अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं। तो मेरे घर के काम चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और सुबह से बारिश ने ना घमासान मचाया हुआ है, बहुत तेज बारिश हो रही है।
मतलब 3-4 घंटे हो गए हैं कंटिन्यू बारिश हो रही है, अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वेदर इतना अच्छा हो गया ना यहाँ पे, एकदम ठंडा सा, और बहुत जगह पे बारिश हो रही होगी, किस किस के वहाँ बारिश हो रही है कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसा वेदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे में फिर यही होता है ना, घर के काम भी बढ़ जाते हैं, क्लीनिंग ज्यादा बढ़ जाती है, तो सब जगह कीचड़ कीचड़ हो रहा था। तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी है, झाड़ू वाड़ू पोछा लगा दिया मैंने सब, और अब मुझे करना है किचन क्लीन। हस्बैंड अभी, आज वैसे उनका ऑफिस था लेकिन वो घर पे ही हैं, रेस्ट ले लिया उन्होंने क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद ना उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और कल भी उनको बहुत तेज फीवर था, शाम को भी बहुत बॉडी पेन हेडेक हो रहा था, अभी भी थोड़ा सा रिलीफ तो है लेकिन अभी भी हेडेक है। तो मैंने कहा कि आप रेस्ट ले लो, तो आज एक दिन का उन्होंने रेस्ट कर लिया है, बाकी कल सैटरडे संडे तो ऑफ रहेगा ही, तो 3-4 दिन उनको रेस्ट के मिल जाएंगे और इस बीच में वो ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए सिंपल सा ही कल सेलिब्रेशन हम भी ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए, केक कट किया और उसके बाद हम लोग ने खाना खाया, एक रोटी खाई और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं खाने में स्पेशल। और आज भी सिंपल से बनेगा क्योंकि आज भी थोड़ी सी ढीली है तबीयत, तो मैं सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी बनाने वाली हूँ सिंपल वाली, तो बस यही रहेगा अभी कुछ दिन, तो हमें सिंपल से ही खाना खाना पड़ेगा जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती अच्छे से, बाकी किसी और दिन देखेंगे अच्छा सा कुछ बनाएंगे। बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं, काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया अच्छे से, और बाहर अभी भी हो रही है बारिश। खत्म हो गया था, मैंने ये वाला निकाला है हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट ऑर्गेनिक नेशन का है, 1 kg का है लेकिन इसमें पूरा नहीं आ पाता, तो मैं अभी इसको फूड क्लिप लगा के रख देती हूँ सिक्योर करके, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, नमक ना ऐसे खुला रखेंगे तो वो सील जाएगा। और इसमें मैंने रख दी है खिचड़ी, मसाला तैयार हो रहा है और दाल की खिचड़ी बना रही हूँ मैं सिंपल सी, तो मूंग की दाल और चावल मैंने वॉश करके अच्छे से भिगो के रखा हुआ था, इसका सारा पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, जीरा आलू बनाऊंगी मैं, और क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं है, तुरई थोड़ी सी बची हुई थी कल शाम को, मैंने तुरई बनाई सिंपल वाली, और अभी बारिश इतनी हो रही है, बारिश रुकेगी तो सब्जी लेने जाएंगे, लेकिन बारिश रुकी नहीं रही है, पता नहीं क्या होगा, आज भी सब्जी आ पाती है या नहीं आ पाती है, तो इसलिए मैंने आलू उबाल लिए और शाम का देख लेंगे जो भी होता है। तो ये है आज की हमारी सिंपल सी लंच थाली, मूंग दाल की खिचड़ी, इसके ऊपर से मैंने डाला है घी, घी डाल के बहुत अच्छा लगता है मुझे, और साथ में लिया है सैलेड, पापड़, अचार और जीरा आलू। तो हम लोग अपना लंच कर लेंगे, इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो लोग चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।